सही, हम सजा रहे हैं सुरों की महफिल, इतना प्यारा गीत, अब कुछ लाइव सॉन्ग्स हो जाए। हमारे साथ है हमारी आज की खास मुलाकात लक्ष्मी मधुसूदन जी के साथ, बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी। सुर में मुलाकात आपसे करेंगे, यकीनन कुछ गीत संगीत भी सुनेंगे, लेकिन आपका 30 सालों का सफर रहा है संगीत की दुनिया के साथ, पीछे मुड़के देखते हैं तो कैसा लगता है? बहुत छोटी उम्र से मैंने गाना शुरू किया था, करीब आप कह सकते हैं 5 और 5-6 ईयर्स था। तो पहले तो जो गाती थी मैं लता जी के गाने से बहुत मुझे अच्छा लगता था उनका, तो उन्हीं के गाने गा गा के पहले सीखा। उसके बाद 15-16 साल की उम्र में मैंने फिर सीखना शुरू किया क्लासिकल म्यूज़िक। तो मेरे गुरु जी हैं के डी शर्मा जी, पंडित के डी शर्मा, उनसे मैंने क्लासिकल सीखा। उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरी जो वॉइस है वो बहुत सॉफ्ट है, तो लाइट म्यूज़िक के लिए अच्छा है, तो इसलिए मैंने फिर लाइट म्यूजिक गाना शुरू किया। ये जो आवाज है उसका मुजाहिरा कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए, सबसे पहले क्या सुना रही हैं? बिल्कुल, मैं पहले भजन आपको सुनाती हूँ, शुरुआत करते हैं भजन से, और मीराबाई जी का भजन है ये। मैं तो सावरे के रंग राची, मैं तो सावरे के रंग राची। बहुत खूबसूरत भजन के अलावा और आप क्या क्या गाती हैं? देखिए सुगम संगीत में जो भी आता है लाइक गीत, गजल, इस तरह सभी चीज़ें गाती हूँ, बंगला गाती हूँ। क्या फॉर्मल ट्रेनिंग आपने ली थी इनके लिए? सुगम संगीत के लिए बिल्कुल। देखिए शुरू में जब मैंने गाना शुरू किया था, जैसे मैं कॉलेज में जब थी तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मुझे फर्स्ट ऑल इंडिया म्यूजिक कॉम्पिटिशन में मिला था, तो वहाँ से रेडियो वालों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था कि आप आइए और गाइए। तो फिर वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ कॉलेज लाइफ से, मैं 80s की बात कर रही हूँ। तो उन दिनों तो ये सब इतना मीडिया था नहीं, इतना चैनल्स, तो रेडियो और दूरदर्शन वहीं पे ज़्यादा होते थे प्रोग्राम्स। उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया ज्वाला प्रसाद जी से, उनकी कुछ कंपोजिशंस, फिर सीएल शर्मा जी, उसके बाद छोटे लाल जी हमारे, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, क्योंकि लाइट म्यूज़िक काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल इन द सेंस कि उसमें पंक्चुएशन कहाँ रुकना है, शब्द को कैसे बोलना है, उसमें फीलिंग कैसे डाल के करना है, ये सारी चीज़ें। और आपने तो फिर कई भाषाओं में और कई राष्ट्रों के जो संस्कृति है उसको भी अपने गीत के माध्यम से दिखाया। हाँ जी हाँ जी, सिंगर्स को तो गाना ही पड़ता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मुझे बहुत लैंग्वेज का नॉलेज है तो मैं गा लेती हूँ, कुछ कुछ भी दे दीजिए। जैसे हमें सुनाएं, जैसे मैं अभी आपको एक पंजाबी सुनाती हूँ, ज्वाला जी की कंपोजिशन है, उन्होंने ही लिखा है और बहुत खूबसूरत सा गीत है, मैं अभी आपको सुनाती सानू प्यार वाला रस तावे दस के सत दूर न जावी सानू छड़ के सत दूर न जावी सानू छड़ के सत तेरे बिना नहीं और होना तेनू खोना जीवे रब नूवे खोना तेनू खोना जीवे रब नूवे खोना दो दिन जिंदड़ी दे ऐवे मुक जानी वे वेखी चन्ना बाद विच याद साड़ी आनी वे याद साड़ी आनी वे चन्ना दिल ले गया मेरा कड़ के सत दूर न जावी सानू छड़ के सत दूर न जावी सानू छड़ के। बहुत खूब, क्या गीत के बोल भी आप खुद लिखती हैं, कौन है आपके पसंदीदा? मैंने नहीं लिखा, मैंने कभी लिखा लिखने की कोशिश की नहीं है। सुर हम ज़रूर कोशिश करते हैं क्योंकि इतनी जगह गाना पड़ता है, तो धुन हम बना लेते हैं, म्यूज़िक कंपोज करते हैं। और बाकी ये ज्वाला जी का था, ज्वाला प्रसाद जी का, दिल्ली के काफ़ी नामी म्यूज़िक डायरेक्टर्स में आते हैं जी। और जैसा सुगम संगीत आपने कहा कि मुश्किल होता है सीखना, तो क्या कभी कुछ ऐसे भी होता है ना? देखिए एक तो मैंने आपसे जैसे बताया कि जो शब्द हैं उसको कैसे बोलना है, उसमें फीलिंग्स जो होता है एक्सप्रेशंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कहाँ आप सांस ले रहे हैं, कहाँ आप रुक रहे हैं, ये सारी बातें। तो लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी बहुत सॉफ्ट वॉइस है, तो क्या खास ध्यान रखती है रोज सुबह शाम गरारे करना? दिल्ली में तो बहुत इट्स वेरी टफ, मतलब बहुत मुश्किल है गले को संभाल के रखना। गोलगप्पे कोल्ड ड्रिंक सब दूर? नहीं नहीं, मैं नहीं खाती गोलगप्पे, सब ये नहीं खाती हूँ, मतलब
जैसे सेंसिटिव है मेरा वॉइस तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी लगती है, ठंड लगती है। एज अ सिंगर तो सिंगर की तो सबसे बड़ा रत्न है आपकी आवाज, तो हाँ जी, हाँ जी। उसका खासा ध्यान रखना बहुत, मतलब दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत ही मुश्किल है, पॉल्यूशन तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लक्ष्मी जी के गोलगप्पे भी नहीं खाने और खास ध्यान रखना है कि कभी कोई ऐसा भी क्षण आया जब आपको लगा नहीं सुगम संगीत बस मैं नहीं सीखती? नहीं ऐसा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगता है, मेरा गला ठीक रहना चाहिए बस, तो उसके लिए कुछ भी करना। तो परफॉर्मेंसेस से पहले क्या क्या खास ध्यान रखती है, रियाज करती है परफॉर्मेंस? देखिए रियाज तो बहुत ज़रूरी है, वो तो रेगुलर आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो मतलब वॉइस का ऑयलिंग होता है रियाज से, जी वो तो करना ही पड़ेगा। पंजाबी आपने हमें सुना दिया, अब क्या सुनाएंगे? अब मैं आपको एक राजस्थानी सुनाती हूँ। जी जरूर। तो वो भी ज्वाला जी का ही है। अच्छा जी, पंजाब से राजस्थान चले। हाँ जी। ओ मारो घूंघटो न खोलो मारो जियो धड़के, मारो जियो धड़के, ओ मारा सावरा जी, ओ मारा सावरा जी, ओ मारो घूंघटो न खोलो मारो जियो धड़के, मारो जियो धड़के, ओ मारा सावरा जी, ओ मारा सावरा जी, बाली सी उमरिया हमारी प्रीत थारी न जाने, मत छेड़ो हमारा सावरा जी, जी कोनी मारो माने, ओ मारो भैया न मड़ो रो मारो कन्नो खन के, मारो कन्नो खन के, ओ मारा सावरा जी, ओ मारा सावरा जी। परिवार बहुत खूब, परिवार में सबसे ज्यादा प्रोत्साहन या क्रिटिसाइज कौन करता है आपकी गायकी को लेके? मेरे पति देव जी करते हैं, बहुत अच्छा वो गजल सिंगर भी हैं जी, और पूरा म्यूजिक वाला ही फैमिली है। मेरे दो बेटे जो हैं, बड़ा वाला अर्जुना सुरेश वाडेकर जी के पास वो अभी तालीम ले रहे थे, तो उन्होंने उसका नाम अर्जुना रखा है, पहले अर्जुन था वो। तो फैमिली साउंड इंजीनियरिंग करके आया, वो गाता बहुत अच्छा है, छोटा वाला भी ऐसे ही है, सारे सभी हैं मतलब। तो इसका मतलब क्रिटिसाइज भी अभी अब बच्चे करने लगे हैं, अभी ज्यादा बच्चे करते हैं कि मम्मा ये गलत हो गया, ये ऐसा नहीं ऐसा होना। फिर मम्मा सुनती भी है? देखिए आजकल के गाने जैसे हैं, थोड़ा कम सुनती हूँ, तो कई बार जैसे गाया नहीं नहीं मम्मी ऐसे नहीं ऐसे है, वो ठीक कराते हैं उसको। मतलब फैमिली ऑफ म्यूजिशियन सिंगर्स है, लेकिन अगर फैमिली रिस्पांसिबिलिटी की बात की जाए, मैनेज कर लेती है दोनों काम साथ? हाँ, अब तो बच्चे बड़े हो गए ना, तो अब मैंने शुरुआत में मुश्किल आई। शुरुआत में भी देखिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, जब आपको गाना है अचानक से एकदम गाना पड़ जाए तो थोड़ा सा टाइम, एक घंटा, क्योंकि इसमें रोज रियाज की भी जरूरत है, जरा सा आप अपनी रूटीन से अलग हुए तो वो आपकी आवाज में दिख जाएगा। हाँ वो तो है, और साथ में रूटीन से अलग नहीं होना, मतलब रूटीन ही है, रूटीन जैसे ही चलना पड़ेगा। चलते चलते हमें कुछ और भी सुना दीजिए, एक गजल हो जाए। आपने कहा आपके पति देव गजल गाते हैं, आप भी एक गजल सुना दीजिए। ये गजल जो है सील शर्मा जी का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ है। चलते चलते ये गजल आपके है नाम, हमें कहने दो कुछ सवाल उठे हो तो उन्हें रहने दो, ये गजल से रिश्ता क्या है, फिर भी एहसास के मौजों में हमें बहने दो, कुछ सवाल उठे हो तो उन्हें रहने दो। बहुत ये गजल आपके नाम, गजल का तो अपना ही मजा है, अपना ही इनका। और भी सवाल पूछने थे लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ और सवाल उठे हैं तो रहने दो, तो रहने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी, थैंक यू वेरी मच।